आदाब, वायर के इस बेहद ख़ास प्रोग्राम अदबिस्तान में आज हम बात करने वाले हैं रक्स की, और रक्स में भी उस तरह की जिसमें एक तरह से कहते हैं कि आदमी लीन हो जाता है, आदमी किसी की मतलब किसी का होके रह जाता है, उसको अपने वजूद का भी एहसास नहीं होता, ऐसा हम बाहर से समझते हैं। दरअसल हमने पिछले दिनों अपना एक बहुत ख़ास मेहमान बनाया था, आपके लिए हमने बुलाया था, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई थी हमारी, हमारे साथ थी मंजरी चतुर्वेदी, हमने दोबारा उनको जहमत दी है, बहुत बहुत खैर मकदम है। तो ये जहमत इसलिए है कि पिछली गुफ्तगू हमने ख़ास तरह की गुफ्तगू की थी, कुछ औरतों के बारे में की थी, आज आपकी जर्नी को जानना चाहते हैं, थोड़ा उसके बारे में सुनना समझना चाहते हैं कि एक कथक एक चीज़ होती है, आपके नाम के साथ अब सूफ़ी कथक, मतलब जब भी आपका नाम आता है सूफ़ी कथक के बारे में ख्याल आता है, तो ये दोनों है क्या चीज़, आपने क्यों मतलब इस डिफ्रेंशिएशन को किस तरह देखती हैं, पहली बात तो ये क्यों अलग है और किस तरह से जुड़ा हुआ है, और इसी को अपनी पहचान क्यों बनाया और कैसे शुरुआत हुई? देखिए कथक जो है वो एक लैंग्वेज है जी। हमारे और कथक ही नहीं जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं वो लैंग्वेज है, जैसे कि आप अंग्रेज़ी हिंदी फारसी कुछ भी सीखें, फ्रेंच सीखें, जर्मन सीखें, तो वो एक लैंग्वेज होती है। उस लैंग्वेज को सीखने के बाद तो हम ABCD सीखते हैं, तो कथक में भी हम सीखते हैं, फिर ABCD आपने सीखी, फिर उनको ज्वाइन करके वर्ड्स बनाते हैं, फिर सेंटेंसेस बनाते हैं, फिर सीखते हैं कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो जैसे भाषा में ये सीखा जाता है वैसे नृत्य में सीखा जाता है। तो हम नृत्य में ताल सीखते हैं, लय सीखते हैं, राग सीखते हैं, जानते हैं, मुद्राएं सीखते हैं कि किस मुद्रा से हमें क्या चीज़ दिखानी है, क्या है, ये एक भाषा है। अब मेरा मानना है कि जब हम एक भाषा सीख लेते हैं उसके बाद सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि भाषा सीखने के बाद आपकी सोच क्या है और आप क्या कहानी सुनाना चाहते हैं जी। क्योंकि आप सिर्फ बहुत खूबसूरत सा ए बना दें, उसके बाद जेड बना दें, उसके बाद ओ बना दें, उसके बाद डी बना दें, बहुत खूबसूरत लिख दें, पर अगर वो जुड़ के कुछ बनते नहीं हैं तो वो जिबरिश है, उसका कोई मायने नहीं है। वही नृत्य में है, और नृत्य में क्या है कि जब तक आप उन चीज़ों को सीखते हैं फिर उसके बाद आप जब उससे स्टोरी सुनाना चाहते हैं वो आपकी अपनी होती है और होनी चाहिए। मैंने कथक सीखा, मैंने उसकी ग्रामर सीखी, सब चीज़ सीखी, पर जब कहानी सुनाने का समय आया तो मेरे जहन में जो कहानियाँ मेरे दिल को छूती थी वो आज के अगर हम उसको टर्मिनोलॉजी में ले हैं तो वो होती थी मिस्टिकल स्टोरीज, जो किसी ना किसी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड थी, एक तरह का रहस्यवाद, रहस्यवाद जो है जो हमारी समझ से परे की चीज़ें हैं, पर उसमें हम एक अलग सी एक लीन हो जाते हैं, उसमें एक अलग कैफियत महसूस करते हैं। तो वो मेरा रुझान उस तरफ था, तो मैं धीरे धीरे वो कहानियाँ ही सुनाने लगी। अब वो चाहे बाबा बुल्ले शाह की हो, तो वो कबीर की हो, चाहे शाह इनायत साहब की हो, तो उन्होंने जो चीज़ें लिखी उनको लोगों को अपने नृत्य से पहुंचाने लगे। जब मैं वो कहानियाँ सुनाने लगी तो ये हुआ कि ये तो कथक है नहीं, क्योंकि कथक में तो बड़ा अलग सा पहनावा होता है, कथक तो बड़ा अलग सी बात होती है। अब वो इसलिए लोगों को लगा क्योंकि देखिए हमारे यहाँ दो तरह की भक्ति हैं, एक है सगुण भक्ति, एक है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में हम उस भगवान को एक रूप दे देते हैं, तो अगर डांसर स्टेज पर आई और उसने ऐसे करा तो आपको पता चल गया ये कृष्ण की कहानी सुनाने जा रही है, तो ये हो सगुण भक्ति है। अब वैसे ही हम चाहे उसमें कृष्ण हो, चाहे भगवान शिव हो, चाहे राम हो, जो भी, मतलब एक फॉर्म है, एक ईश्वर का एक रूप है। और यही आके दूसरी भक्ति हमारे यहाँ जो है, जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत है, वो है निर्गुण भक्ति। अब निर्गुण भक्ति की जब हम बात करते हैं तो वो निराकार ब्रह्म है। ये हमारे क्लासिकल म्यूजिक में है, एक पूरी परंपरा है निर्गुण संगीत की, पर हमारे यहाँ क्लासिकल डांस फॉर्म्स में नहीं थी, क्योंकि उसकी भी एक वजह है, क्योंकि जब मैंने खुद करा तो रियलाइज़ करा कि डांस जो है वो बॉडी से होता है, तो बॉडी एक फॉर्म है, उस फॉर्म से आपको निराकार की बात करनी है तो आप एक आकार से निराकार की बात कर रहे हैं, तो ये एक तरह से दुविधा हो जाती है डांसर्स की। तो उसको पार करने का तरीका मैंने पाया कि जैसे जब बाबा बुल्ले शाह की कहानी देखी जाए अगर, तो पंजाब के हुए और सबको ही पता है कि बाबा नाचते थे जी। भाई बाबा बुल्ले शाह की पर किसी ने जीवनी नहीं लिखी, पर उन्होंने अपनी शायरी के थ्रू अपनी सारी पूरी जिंदगी हम लोग तक पहुंचा दी।
तो उसमें ये बहुत अहम बात है कि उन्होंने एक तवायफ के पास जाके नृत्य सीखा, फिर उन्होंने एक औरत का वेश धरा, फिर वो अपने पीर के पास नाचने गए, फिर उसके बाद वो नाचते रहते थे। तो ये चीज़ें थीं। तो कहीं नृत्य जो है वो एक निराकार ब्रह्म का एक मीडियम था। तो ये सब तो थोड़ा हम बहुत आगे आ गए, लेकिन हम बेसिकली उससे पहले ये जानना चाह रहे थे कि इन सब चीज़ों की शुरुआत बेसिकली तालीम कहाँ से लिया आपने, कैसे हुई, और हाँ वो सीखा कैसे आपने। तालीम की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, मैं एक बहुत कहना चाहिए बहुत खूबसूरत जगह पली बड़ी जिसका नाम लखनऊ है। और लखनऊ जो है वो अपने आप में एक गंगा जमुनी तहजीब का एक पूरा ट्रेजर है। और वहाँ पर मुझे बहुत साल पहले एक राइटर थे, उन्होंने एक बात कही थी कि मंजरी तुम उस ज़मीन से हो जहाँ पर सेक्युलरिज्म जो है वो किताबों में नहीं पढ़ाई जाती है, वो जी जाती है। और मैं उस ज़मीन में पली बढ़ी जहाँ मेरे वालिद अच्छी खासी उर्दू बोलते थे, कोई ये नहीं सोचता था कि आप हिंदू हैं तो आप उर्दू नहीं बोलेंगे। तो हम किसी ऐसे माहौल में नहीं पले बढ़े, हम पले बढ़े उस माहौल में जहाँ सब चीज़ एक्सेप्टेड थी। तो उस जगह का जो कहना चाहिए, हर 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 जने के ऊपर प्रभाव पड़ता है आप किस जगह पर रहते हैं। तो मेरे ऊपर लखनऊ में बहुत प्रभाव पड़ा कव्वाली का। अच्छा, कव्वाली एक बहुत अहम अंग है लखनऊ में। अगर कोई महफिल है, कोई म्यूज़िक है, कोई भी चीज़ है उसका, या आप किसी दरगाह पर जाते हैं तो। और मेरा रुझान बहुत बढ़ा कव्वाली की तरफ बार बार। तो हमेशा जब मैं कव्वाली सुनती थी तो एक तरह से कैफियत हो जाती थी। और उसको फिर मैंने जानने की कोशिश करी कि क्या चीज़ है, क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है जो मुझे और किसी म्यूज़िक में नहीं होता है वो इसमें होता है। जब उसकी हिस्ट्री जाननी शुरू करी तो फिर सूफ़ी संतों की कहानियाँ पढ़ी, फिर उनके बारे में पढ़ा, फिर रूमी के बारे में पढ़ा। तो जैसी ये एक चीज़ें पढ़ते पढ़ते बहुत सी ऐसी कहना चाहिए जहन में चीज़ें समा गई कि ये एक बहुत खूबसूरत रास्ता है। और ये उस जगह पहुंचने की चीज़ है जो वैसे इमेजिनेशन से हम नहीं पहुंच सकते। और नृत्य और संगीत एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत आसानी से अपने जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस करा देता है, क्योंकि आप नृत्य और संगीत में अपनी बॉडी छोड़ सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंसेस जो हैं ये बहुत बार शब्दों में बयान करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, पर उन एक्सपीरियंसेस को जब हम लेकर चले तो मुझे पूरा एक अलग सा एक रास्ता मिला। और उस रास्ते को वही बात है कि देखिए, कोई ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन सपने में सोचा और उठ के बैठ गए और मैंने कहा जी मैं सूफ़ी कथक बनाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं था। रास्ते अपने आप सामने आते जाते हैं। और मुझे हमेशा ये चीज़ का बहुत, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि कायनात डिसाइड करती है कि किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। बिल्कुल। और वो कायनात डिसाइड करके कहीं एक जगह रोक देती है कि ये करेगा। और शायद मैं वो चोजन वन उस वक्त हो गई कि कायनात को लगा इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है। तो उस चीज़ को मेरा सिर्फ काम था कि मैं वो करती चलूँ। इत्तेफाक भी ऐसा था कि सन 2000 में मुझे मौका मिला कि मैं किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान गई, वहाँ पर रही, वहाँ के कलाकारों से मिली, वहाँ के म्यूज़िक जानने की कोशिश करी, क्योंकि पूरा सूफ़ी म्यूज़िक वहीं उधर से ही हिंदुस्तान में आया था। तो वहाँ के नुआंसेस जाने, फिर जो दरवेश आने वाले थे उधर बेसिकली। उससे पहले मेरा सवाल ये था कि ये जो मतलब वर्ल्ड में और क्या किस तरह से इसको देखा जाता है, या फिर आप ही की तरह का कोई और कथक यहाँ मतलब इंडिया में मौजूद है या नहीं, लेकिन ये सवाल मैं बेसिकली बाद में पूछना चाहता हूँ। उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपकी का सफ़र है, जहाँ से आपने सीखा और अब तक का जो सफ़र है, इसमें कौन दो चार लोग हो सकते हैं जिनको आप याद करेंगे? बहुत लोग हैं। देखिए, एक तो मेरे अपने गुरु हैं जिन्होंने मुझे कहना चाहिए ग्रामर सिखाई, कथक सिखाया। अगर मुझे ग्रामर नहीं आती होती तो मैं आगे नहीं बढ़ती। तो पंडित अर्जुन मिश्रा जी हैं जिन्होंने मुझे सिखाया। उसके बाद मैंने संगीत कहना चाहिए, जब सूफ़ी संगीत पर जानना चाहा तो फहीमुद्दीन डागर साहब हैं जो डागर ध्रुपद फैमिलीज के हैं, ध्रुपद गायकी के। फहीम साहब से मैंने बहुत बैठी, उनके साथ समझने की कोशिश करी। फिर जब अभिनय की बात आई कि अभिनय भाई आप बहुत अहम हिस्सा है, अहम हिस्सा है, आप कैसे अभिनय से बताएंगे। तो अब अभिनय सीखा मैंने चेन्नई में कला निधि नारायण से,
तो आप कोई सोचे कि जी ये तो भरतनाट्यम की गुरु हैं, पर बात वो नहीं है, ग्रामर चाहिए. उसको मुझे लोगों तक बयान करना है, मुझे उस फेस मसल्स को यूज़ करना है स्टोरी सुनाने के लिए. तो उनसे मैंने सीखा, इसलिए मैंने कहा बहुत लोग उसमें जुड़े हैं. मुजफ्फर अली साहब है, उनके साथ मैंने बहुत काम किया. तो वो जो कहना चाहिए सूफ़ी पोइट्री, उसकी जो लेयर्स हैं वो कैसे खुलती हैं, हम लोग कितनी देर घंटों बैठ के डिस्कस करते थे. तो एक जो एक बहुत इम्प्रेशनेबल एज होती है, जो मैं कहती हूँ 17 साल से और 25 साल तक, जो आपकी बिल्कुल ऐसी एज होती है जब आप सब चीज़ अब्जॉर्ब कर लेते हैं, उस एज पर मेरे साथ सारे ऐसे लोग थे जो किसी ना किसी तरह से सूफीज़म से रिलेटेड थे. अब मैं अगर ये सोचूं कि भाई क्यों उसी दौर में मेरे पास आए, तो उसी दौर में वो आए. तो मेरे को अगर कोई मुझे किताब दे जाता था बाबा बुल्ले शाह पर के मंजरी इसको देखिए आप ये कैसी है, अब वो पढ़ना शुरू करती तो फिर पढ़ते खुलती जाती थी. मुझे पढ़ने लिखने का शौक़ है तो मैं पढ़ती लिखती हूँ. तो उसमें क्या है कि जब आप जितना पढ़ते थे उतना और खुलता. तो वो एक दौर था, उसमें इतने लोगों ने, और भी बहुत से होंगे, मैं कई बार एकदम से क्या होता है कि लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, नहीं नहीं याद सब रहते हैं, पर ज़िंदगी में आते हैं और उतनी देर के लिए आके चले जाते हैं. पर उन लोगों ने सबने मेरे जहन पर एक अपनी छाप छोड़ी और अलग अलग रूप से आकर और फिर वो आगे बढ़कर एक नए रूप में आया. जी, तो अब मेरा वो सवाल था जो मैं पहले जो आप कह रही थी कि वो ये कि जो आपका सूफी कथक है, उस तरह की कोई और चीज़ मतलब हमारे मुल्क में किस तरह से है, अगर है तो उसके अलावा, जैसे अभी आप वर्लिन दरवेश की बात कर रही थी, या फिर उस तरह की चीज़ें और दुनिया में हैं, वो कहाँ हैं और कैसे हैं? देखिए, ये जो क्या एक बहुत ख़ास बात जो सूफीज़म की है कि जिस जगह पर सूफी संत हुए उन्होंने उस जगह का अपना बोलचाल और जो उस जगह की एक अपनी कल्चर था उसको अपने साथ लिया. पंजाब में अगर बाबा बुल्ले शाह हुए तो उन्होंने पंजाबी में बोला, उन्होंने उर्दू में आके नहीं बोला. ठीक है, तो अगर हज़रत शाहनिया साहब बरेली में थे तो उन्होंने उर्दू में बोला. अगर अमीर खुसरो दिल्ली में थे तो उन्होंने खड़ी बोली, हिंदी, हिंदवी जो कहती थी, या फारसी भी लिखी क्योंकि उनको फारसी आती थी. उस समय फारसी ऑफिशियल लैंग्वेज भी थी, पर उन्होंने हिंदवी और आम भाषा में भी लिखा. तो सूफी संतों ने क्या करा कि उन्होंने आम भाषा लोगों तक पहुंचाने की मतलब आम भाषा यूज़ करी. तो उस वजह से क्या हुआ कि हर जगह अपनी अपनी पॉकेट्स बन गई. तो अब पंजाब का अगर आप संगीत देखें तो वो बिल्कुल फ़र्क लगता है. बंगाल में जाएँ नज़रुल इस्लाम वगैरह का देखें तो बिल्कुल अलग लगता है. आप इधर यूपी आए तो यूपी और बिहार और मध्य प्रदेश बिल्कुल अलग होता है. दिल्ली का अपना एक अलग है. सो हर जगह एक पॉकेट्स बन गए. तो इवन हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो कश्मीर का बिल्कुल अलग है. तो इवन हिंदुस्तान में वो पॉकेट्स हैं. तो जब हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं तो अपने आप और पॉकेट्स मिल जाते हैं. अगर आप सेंट्रल एशिया जाएंगे तो वहाँ अलग तरह के मिलेंगे. आप मोरक्को जाएंगे तो वहाँ थोड़ी अलग मिलेगी. अफ्रीका में जाएंगे तो वहाँ बिल्कुल ही अलग लगता है. वो तो लगता ही नहीं कि ये कोई मतलब इनका कोई सूफीज़म से संबंध भी है कि नहीं, पर उनका भी है. वहाँ भी सिद्दी सूफीज़ हैं. फिर आप टर्की जाएंगे तो वहाँ मौलाना रूम के जो फॉलोअर्स हैं वो करते हैं. तो ये अलग अलग पॉकेट्स हैं, सबकी अपनी अपनी जगह है. सब अपनी अपनी जगह सही हैं क्योंकि वो उस जगह की कैफियत के हिसाब से, उस सूफी संत के कैफियत के हिसाब से कर रहे हैं. जहाँ तक मेरा काम है वो ये है कि मैं आज के दौर में हूँ. तो आज के दौर में मुझे ये लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं लोगों तक जो मोहब्बत का पैगाम ये सूफी संत लिख कर गए वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ. मैं डांसर हूँ तो मेरा पहुँचाने की लैंग्वेज नृत्य है. तो सूफी कथक आज आपको इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर दिख रहा है, पर वो क्योंकि आपको कहानियाँ बता रहे हैं जो यहाँ की हैं. आपको वर्लिंग दरवेश वहाँ पर टर्की में दिख रहे हैं क्योंकि वो वहाँ की बात कर रहे हैं. और कथक और सूफी कथक में जो एक बहुत मेजर डिफरेंस आ जाता है, एक तो मैंने आपको बोला सोच ही फ़र्क है क्योंकि वो एक सगुण भक्ति के लिए है और ये निर्गुण भक्ति के लिए, तो एक सोच ही बिल्कुल फ़र्क हो गई है. दूसरा, मेरा जब मैं नृत्य कर रही हूँ तो आप अगर वो नृत्य देख रहे हैं तो आपको ऐसा एहसास होगा कि हाँ ये ईश्वर की आराधना कर रही है. पर जब आप वो शो ख़त्म हो जाएगा या जब आप वो नृत्य ख़त्म देख लेंगे, शो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आजकल हम शो ही करते हैं, पर जब वो नृत्य ख़त्म हो जाएगा तो आपके
दिमाग में कोई भी इमेज नहीं होगी कि किसकी आराधना कर रहे थे हम. तो वो हम उस स्टेज पर लोगों को लाना, वो हमारा मकसद है. तो मकसद इबादत है. अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि भाई नृत्य और संगीत कैसे इबादत हो सकती है. पर देखिए, हिंदुस्तान की सरजमी है, हिंदुस्तान की सरजमी पर नृत्य संगीत से ही इबादत आराधना सब होता है. और हम इसी में पले बढ़े तो हम यही जानते हैं. और उसमें क्या है कि जब हम जैसे कि कथक में चक्कर लेने की परंपरा है, तो चक्कर लेते हैं रुक जाते हैं, चक्कर लेते हैं रुक जाते हैं. ये एक तरह से हम मानते हैं कि एक कलाकार की अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज, कि भाई उसने 27 चक्कर का टुकड़ा लगाया, 33 चक्कर का. अब जब हम इसको, जब हम सूफी कथक में आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे गिनती नहीं करते. अच्छा. क्योंकि हम लीन हो जाते हैं, हम घूम रहे हैं. नहीं, अच्छा, हम एक कंपस हैं. ओके. हाँ, तो जैसे कंपस होता है वो अपने इर्द गिर्द ऐसे घूमता रहता है. तो हमारा ये मानना है कि वो परमात्मा तो अंदर है ना, तो हम उसी के आसपास घूमें, हमें दूसरों के पास घूमने की जरूरत ही नहीं है. बिल्कुल. तो हम वो घूम रहे हैं. अब जब हम वो घूम रहे हैं तो उसमें हमारी गिनती तो कहीं रही नहीं है, तो वो एक अलग तरह की कैफियत आ जाती है. तो वो चीज़ें हमारी अपनी एक कहना चाहिए कलाकार की, और उसकी एक कला की, जिसको आज एक नाम दिया गया है, उसकी एक रिप्रेजेंटेशन बन जाता है, लोग उसे पहचानने लगते हैं. खैर, मैं आपसे यह पूछना चाह रहा था, जो अभी आप बात कह भी रही थी, मतलब मुल्क के अलग अलग हिस्सों के बारे में, ज़बानों के बारे में, और उसके एक तरह से अलग अलग रूप के बारे में, तो वैसे ही आपका ताल्लुक एक ऐसे शहर से है जहाँ उर्दू भी है, अवधी भी है. मैं अवधी के बारे में जानना चाहता हूँ, कितना कुछ मतलब आपके डांस फॉर्म में कहीं यूज़ हो पाया है. बिल्कुल जी. ऐसे दिनन बरखा ऋतु आई, घर नहीं मोरा शाम रे. अब ये जो है जावेद अख्तर साहब के ग्रैंडफादर ने लिखा, मुश्तर खैराबादी. मुश्तर खैराबादी. तो क्या है कि वहाँ पर, और जावेद साहब तीसरी जनरेशन है जिन्होंने कृष्ण पे लिखा है, और मैं जिस ज़मीन से हूँ इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरी किस्मत अच्छी है, मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं वहाँ पर रही और मैंने अपना इतना वक्त गुजारा. क्योंकि वहाँ पर एक ऐसी ज़मीन है जहाँ पर कृष्ण पर कवालियाँ गाई जाती हैं और कोई उसको गलत नहीं मानता, वो सही है. तो उस तरह की, क्योंकि वो अवधि है. अब चाहे वो अब नज़ीर अकबर आबादी लिख कर गए, अवधि में लिख कर, बहुत अहम नाम लिया आपने. हाँ. तो कैसे, अगर मैं बात कर रही हूँ तो मेरा तो काम ही यही है कि मैं इन सब के कलामों को लोगों तक पहुँचाऊँ. देखो बहारे आज कन्हैया की रास है, अब यह नज़ीर अकबर आबादी लिख कर गए, हमने नहीं लिखा. तो ये जो भाषा है, तो एक तरह से वो भाषा आम भाषा थी लोगों के समझने की, तो वो बहुत ज़रूरी है. अवधि है, ठीक है, आज मतलब लोग बोलते नहीं हैं, पर कम से कम संगीत और नृत्य में जिंदा रहे. नहीं, उसका साहित्य तो बहुत रिच रहा है, पद्मावत जैसी चीज़ें लिखी गई हैं, मलिक मोहम्मद जैसी वगैरह हैं उसमें. अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो ऑडियंस होती है वो दो तरह से होती है, एक तो बहुत ख़ास लोग होते हैं जो अपनी तरह से चीज़ों को पसंद करते हैं, एक बहुत आम ऑडियंस होती है. आपको जब लोग देख रहे होते हैं परफॉर्म करते हुए, तो आपको क्या एहसास होता है कि ऑडियंस कैसे रिएक्ट कर रही है, आप ऑडियंस से कितना जुड़ पाते हैं, या ऑडियंस किस तरह से आपको देखता है, या भूल जाती हैं कि ऑडियंस है भी? नहीं नहीं, देखिए. अच्छा. थोड़ी देर तो याद रहती है, थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं जी. मेरा एक मानना है, देखिए, कि मैं उन कलाकारों में से नहीं हूँ कि मैं ये शिकायत करूँ कि ऑडियंस नहीं है आज हमारी समझने वाली, इसलिए हमारी कला को कोई समझ नहीं रहा. मैं ही अपनी जिम्मेदारी मानती हूँ कि अगर आज ऑडियंस नहीं है तो मुझे वो क्रिएट करनी है. अब मुझे उसको क्रिएट करने में उसको अपने पास तक लाना है, तो मैं क्या करूँगी कि जैसे मेरे अगर 4 कॉम्पोजिशंस मैं 1 घंटे में परफॉर्म कर रही हूँ, तो उसमें से 2 ऐसे करूँगी जो उसको पता होंगे. मेरा पिया घर आया. अच्छा. ठीक है. हाँ. तो मैंने जैसे ही करा मेरा पिया घर आया, हाँ. उनको लगा कि ये तो, अरे हमें मालूम है, ये बहुत ईजी है. अच्छा अच्छा, इनका डांस हमें समझ में आता है. उसके बाद ही मैं कर दूँगी सरे बाजार मीरकसम, तो वो उसी धुन में वो चलते चले जाएंगे, उनको लगेगा ये भी हमें मालूम है, जबकि वो फारसी का कलाम है. फिर मैं कोई तो मैं उसको ऐसे लेकर चलती हूँ कि वो जो आम है वो भी देख ले, पर उसके बीच में जो 20 खास बैठे हैं वो उसको भी समझ लेंगे कि ये सरे बाजार मीर अक्सम क्यों नाच रही है. तो वो चीज़ को एक बैलेंस बना के चलना है, और वो मैं ये मानती हूँ कि वो आप तभी बैलेंस बना सकते हैं जब आपको साहित्य का ज्ञान हो.
क्योंकि मुझे, मैं पढ़ती हूँ इसलिए मुझे साहित्य का ज्ञान है, इसलिए मैं वो बैलेंस बना सकती हूँ. नहीं तो फिर हम लकीर के फकीर की तरह चलते रहते हैं और शिकायत करते रहते हैं कि ऑडियंस नहीं समझती. तो बहुत आखिरी हिस्से में मैं अब आपसे ये पूछ लूँ कि ये जो सूफी कथक है, इसका सिलसिला या इसको मतलब आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर रही हैं, कहाँ देखती हैं अपने बाद मुस्तकबिल में? देखिए ये चीज़ें तो एक, मैं, मेरा ये मानना होता है कि ये चीज़ें जो हैं ये हुक्म से होती हैं. अगर कहीं से हुक्म है तो ये आगे 200 साल चलता रहेगा. अगर हुक्म हुआ कि बस इतनी ज़रूरत थी तो ख़त्म हो जाएगा. मैं अपनी तरफ से सिखा रही हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा रही हूँ, पर उसमें देखिए एक चीज़ होती है, एक होती है अगेन कि मैं उनको लैंग्वेज सिखा रही हूँ, पर उसको समझना कि जब अगर एरी सखी पिया मोरे पिया घर आए, अगर ये कलाम है तो अब ये उनको भी समझना पड़ेगा कि ये कोई एक नायिका बैठी, ये नहीं कह रही कि हाँ मेरे पिया घर आ गए. ये समझना कि पिया क्या है, घर क्या है, वो किस लेवल की बात हो रही है, ये भी उनको समझना है. तो ये समझ उनको भी अपने आप डेवलप करनी पड़ेगी. तो दो तरफा काम होता है, लैंग्वेज सिखा दूंगी बाकी सिखा दूंगी, पर वो समझ भी साथ साथ में डेवलप होगी, तब वो कंप्लीट होगा. तो मैं अपनी तरफ से तो सूफी कथक फाउंडेशन में सिखा रहे हूँ, सीख रहे हैं, आगे बढ़ेंगे और हो सकता है जल्दी या वो लोग स्टेज पर आए और उसको आगे लेकर. बिल्कुल आखिरी सवाल, जो लोग डांस नहीं जानते, जो डांस को पढ़ते भी नहीं है सिर्फ देखते हैं, वो बहुत गहराई से समझना चाहें तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अरे अगर वो देखते हैं तो वो अपने आप ही समझते हैं फिर. अच्छा. अगर उन्होंने एक कार्यक्रम देख लिया और उसके बाद वो दूसरा देखने आए तो वो समझ गए हैं, तभी तो वो दूसरा देखने आए हैं. तो ये चीज़, क्योंकि कई बार हम उसको इंटेलेक्चुअलाइज करने के चक्कर में हम सोच लेते हैं कि अरे हमें नहीं आता. और मैंने बहुत लोगों को ये देखा है कि वो मुझसे ये कहते हैं कि अरे नहीं नहीं हम कथक नहीं देखते, हमको समझ नहीं आता. और फिर मेरे 5 शोज देख कर जाते हैं और कहते हैं नहीं ये समझ में आ जाता है. अरे वो समझ में नहीं आता, ये समझ में आ जाता है. तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपने एक चीज़ देख ली, भाषा है, आपने एक बार देख लिया आपको समझ मतलब में देखना शर्त है. देखना तो पड़ेगा भाई आपको, बिना देखे तो आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आर्ट फॉर्म वैसी है कि आप आंख बंद करके उसको नहीं समझ सकते. सितार आप आंख बंद करके सुन सकते हैं, पर ये तो कला आपको देखनी पड़ेगी. तो बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, आप तशरीफ़ लाएं. और नाज़रीन एक बार फिर से आपसे ये कह रहा हूँ कि इस तरह की दूसरी तमाम बातचीत देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. To receive instant updates on all videos from the wire, click the subscribe button and hit the bell icon. Pay to support independent journalism. Click the link in the description and choose the amount you want to pay.